गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। जैसे आप जान रहे हो आज हम दमन में हैं। आज दमन का दूसरा दिन है और अभी हम लोग आए जम्पोर बीच पे, तो यहाँ पे भी क्राउड तो नहीं। कल तो जो देखा था हमने यहाँ से गुजरे थे जब, तो क्या क्राउड था। अभी तो देखिए इतना कुछ क्राउड है नहीं, क्योंकि अभी मॉर्निंग है। कल संडे था, मोस्टली लोगों को पता था गुजरात के यहाँ के आगे सब आते हैं, तो बहुत ही क्राउड होता है सैटरडे संडे यहाँ पे। बट आप देख सकते हो पूरा बीच सुनसान है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा आगे बूढ़े पॉइंट थोड़ा घूमेंगे और फिर यहाँ फोर्ट है, फोर्ट भी जाएंगे। पहले चलते थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ये भी निकले सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तो गाइस आपने देखा, ये है जम्पोर बीच। हम लोग जम्पोर बीच घूमने आए थे और यहीं पास में किला है, तो यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे किला घूमने के लिए। वैसे बीच बहुत खूबसूरत है, बट आज मंडे है तो क्राउड नहीं है। कल हम लोग जब यहाँ से पास हुए थे तो बहुत क्राउड था, मतलब पैर रखने के लिए जगह भी नहीं थी। हमने सोचा चलो बाद में आएंगे, बट हमें भी आने में लेट हो गया। फिर चेक इन किया, फिर फ्रेश होने होने में बहुत वो हो गया, फिर रात को निकले तो कुछ दिखा नहीं। अब सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे आप आते हो तो आपको कैमल राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, जेट स्की है, पैराग्लाइडिंग है, वो चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे घूमने के लिए। और बीच के मज़े उठा सकते हो, बीच बहुत खूबसूरत है। बाकी अभी चलते हैं फोर्ट पे, फोर्ट देखते हैं फोर्ट कैसा है। वैसे बोलते हैं अच्छा है, तो यहाँ से निकल के अभी चाय नाश्ता करके फिर फोर्ट पे मिलते हैं। गाइस अभी मैं जट्टी पे आया हूँ, क्योंकि यहीं पे सामने फोर्ट है और इस तरफ जट्टी है। रात में भी इधर आया था बट उस तरफ आया था मैं, तो उस तरफ मंदिर दिख रहा आपको। अभी इधर से हम लोग फोर्ट जा रहे हैं, तो इस रास्ते से जा रहे थे तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। बहुत खूबसूरत है और रात में तो कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे कि पूरा अंधेरा था। अब आप देखिए कितना खूबसूरत है। सो अभी चलते हैं और फोर्ट घूमते हैं। देखा आपने ये
किस तरह से पूरा गिर चुका है। ये 1567 में मेरे ख्याल से बना हुआ ये है और ये चर्च था और पूरा अभी जर्जरा गिर चुका है। सिर्फ इतनी ही दीवारें बची है बट फिर भी देखने में खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हो। और इस तरफ गार्डन बनाया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। सो अब देखते हैं इसके आगे और कहाँ जा सकते हैं। गाइस अभी हम फोर्ट के अंदर हैं और ये फोर्ट के ऊपर है तो देख सकते हो। ये फोर्ट चारों तरफ से दीवारें हैं, ये जो जिस पे मैं खड़ा हूँ पूरा एक बहुत बड़ा सर्कल है, दीवारें हैं और अंदर कुछ ऐसा कुछ किला जैसा कुछ नहीं है, जैसा प्रतापगढ़ का मैंने दिखाया था वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चारों तरफ से बनाया हुआ वॉल है प्रोटेक्शन के लिए और इसके बाजू में जट्टी है जो देखा आपको दिखाया अपने जट्टी है। तो ऐसा कुछ और नहीं है कि राजा महाराजों के जैसा उनके महल जैसा या कुछ, बाकी आप देख सकते हो अच्छा है, सुंदर है पूरा। ये राउंड मारने के लिए कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटा जाएगा जो कि फ़िलहाल मैं उतना नहीं टाइम नहीं है तो जितना हो सकता है वो दिखा रहा हूँ। ये जो मेरे बीच में आपको ऐसा गैप दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे गैप्स हैं, पीछे भी है वहाँ भी है, ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सब पहले यहाँ पर तोफ वगैरह रख के सामने निशाना बनाया जाता था, कोई दुश्मन आए या कुछ भी तो यहाँ पे सब तोहफे रखी जाती थी, ऐसा अभी जो लोकलों ने बताया कि यहाँ पे तोहफों के लिए सब बनाया गया था। तोहफे तो अभी बोलते म्यूज़ियम में इधर है नहीं। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हमें निकलना है मुंबई के लिए और आई होप आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना तो बनता है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।